afternoon students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will take you question number 5 of exercise 12.2. Exercise 12.2 and question number 5. Question number 5 है आपका, एक कारखाने में दो प्रकार के पेज ए और बी तैयार किए जाते हैं। तो इसकी ट्री स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे कि एक प्रकार का पेज ए है और दूसरे प्रकार का पेज बी है। दो प्रकार के पेज बनाए जाते हैं। प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का पेज निर्माण करने में भी दो मशीनें लगती हैं, इसको भी निर्माण करने में दो मशीनों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्वचालित और दूसरी हस्तचालित है। दो मशीनें हैं, एक स्वचालित है सेल्फ कंडक्टिंग क्या कहा जाएगा, और एक जो है हस्तचालित। ऐसे ही ये दो प्रकार की मशीनें हैं, दोनों इस पर वर्क करती हैं। एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित और 6 मिनट हस्तचालित मशीन लेती है। देखो एक पैकेट इसका एक पैकेट निर्माण करने में 4 मिनट स्वचालित मशीन लेती है और 6 मिनट वो मशीन लेती है, 6 मिनट यह मशीन लेती है। और इसका एक पैकेट निर्माण करने में बी का तथा एक पैकेट बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित, 6 मिनट ये मशीन लेती है और 3 मिनट है ना, यस सर, 3 मिनट ये मशीन लेती है पूरा एक पैकेट को बनाने में। प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। देखो अब ये मशीन है तो दिन भर में अधिक से अधिक 4 घंटे प्रयोग हो सकती है, बस 3 आवर है। और ये जो मशीन है हस्तचालित है, ये भी मशीन 4 घंटे दिन भर में अवेलेबल है, इससे ज्यादा इसके पास टाइम नहीं है, मशीन फ्री नहीं है, 4 घंटे काम के लिए उपलब्ध है। निर्माता पेज ए तथा के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपए और पेज बी पर प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपए का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने के में निर्मित सभी पेजों के पैकेट बिक जाते हैं, जितने बने वो सब बिक जाते हैं, याद कीजिए प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेजों के बनाए जाए कि लाभ अधिकतम हो। कितने पैकेट बनाए जाए ए के, कितने पैकेट बनाए जाए बी के, की लाभ अधिकतम हो। माना ए पेज के एक्स पैकेट व बी पेज के वाई पैकेट बनाया जाए, वाई पैकेट बनाया जाए तो लाभ अधिकतम होगा, लाभ अधिकतम होगा। अब लाभ समीकरण, ये जेड लाभ और हानि वाली समीकरण को हम अवरोह समीकरण जेड कहते हैं। तो अगर हम इसके एक्स पैकेट बना रहे हैं, इसके वाई पैकेट बना रहे हैं, एक पैकेट पर लाभ लेता है 7 रुपए है ना, 7x, तो ये हो जाएगा लाभ 7x, और इस पर लेता है एक पैकेट पर 10 रुपए तो वाई पर हो जाएगा 10y, ये लाभ समीकरण। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले स्वचालित मशीन के लिए उपलब्ध समय स्वचालित मशीन के लिए उपलब्ध समय, स्वचालित मशीन के लिए अधिकतम समय कितना उपलब्ध है, 4 घंटे 6 मिनट ये ले रही है और 4 मिनट ये इसका एक पैकेट बनाने में लग रहा है, तो एक्स पैकेट बनाए हो तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 6 मिनट ले रही है एक पैकेट बनाने में इसका, तो वही पैकेट बनाने में हो जाएगा, तो कुल इतने मिनट लग गए इतने और इतने पैकेट के बनाने में, ए के एक्स पैकेट और बी पेज के वाई पैकेट बनाने में कुल इतने मिनट लगा है स्वचालित मशीन पर, और स्वचालित मशीन का ये जो समय है ये 4 घंटे से अधिक नहीं है, मीन्स ये समय 4 घंटे से कम होना चाहिए या 4 घंटे के बराबर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 घंटे था उसको मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ किसमें दिया था, हाँ मिनट में दिया था। ये बात कुछ समझ में है, स्वचालित मशीन पर इतने मिनट एक पैकेट बनाने में इतने मिनट काम होता है, तो एक्स पैकेट बनाने में इतने एक्स हो जाएगा, एक पैकेट को बनाने में इतना मिनट काम लगता है तो इतने वाई हो जाएगा। अब ये टोटल टाइम जो लगा है स्वचालित मशीन के पास, स्वचालित मशीन उपलब्ध केवल कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो ये समय 4 घंटे के बराबर होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, ये एक बन जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करके रख दें। चलो अगली क्वेश्चन में रखते हैं, यहीं पर कर लो इतने मिनट। दूसरा देखिए हस्तचालित मशीन के लिए,
हस्तचालित मशीन के लिए उपलब्ध समय 6 मिनट लगते हैं एक पैकेट में, हो जाएगा 6 सेकंड। 3 मिनट लगते हैं 1 पैकेट में, 3 बाई, और ये भी लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए 4 आवर, अर्थात 240 मिनट होना चाहिए। और इसके पैकेटों की संख्या या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो जाएगी। इसके पैकेटों की संख्या या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 बराबर, माइनस में पैकेटों की संख्या नहीं हो सकती। ठीक, उपरोक्त असमिकाओं को समीकरण में बदलने पर तो ये हो जाएगी 4x + 6y = 240, डिवाइड कर दीजिए 2 से हो जाएगी डिवाइड, 2x + 3y = 1। दूसरी समीकरण ये हो जाएगी 6x + 3y = 240, ये 3 से हो जाएगी 2x + y = 80। इक्वेशन नंबर 2, एक हो गई x = 0, एक हो गई y = 0। अब इसका ग्राफ बना ले, ट्री स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 6, 7 आप सॉल्व करिए, हो जाएंगे। 8 नंबर है, एक सौदागर 2 प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप और एक पोर्टेबल नमूना बनाता है, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 और 40,000 होंगे बेचने। अब लास्ट में क्वेश्चन होगा कि फिर कितने किस प्रकार के कितने बनाए जाएं, तो क्वेश्चन पर आप जाइए, बस किस प्रकार के कितने बनाए जाए, बस वहीं से मान लीजिए यहाँ पर कि माना पोर्टेबल कंप्यूटर की संख्या, कंप्यूटरों की संख्या x, व डेस्कटॉप कंप्यूटरों की संख्या बराबर y। ये हो गए पोर्टेबल वाले और ये हो गए डेस्कटॉप वाले, ये इनकी संख्या आपने x ली है और इसकी संख्या y ली। इसकी एक की कीमत है कितनी, 25,000, इसकी एक की कीमत है 40,000, ये 40,000 रुपए। अब ये जो है पहले खरीदेगा तब बेचेगा, ठीक है। अब इसके पास अधिकतम निवेश के लिए रुपया जो है, आखिरी में पढ़िए जाकर के, लिखा है कि उसके पास निवेश के लिए रुपया केवल 70 लाख से अधिक नहीं है, मतलब रुपया उसके पास 70 लाख रुपया है, इससे अधिक नहीं है। तो फिर एक्स और वाई खरीदा है, एक मिलता है इतने का, तो एक्स खरीदा है इतने रुपए के, ये मिलेंगे उसको, पहले खरीदेगा। निवेश करने का मतलब क्या, पहले खर्चा करेगा तब उससे लाभ कमाएगा। एक डेस्कटॉप इतने का मिलता है तो इतने गुणे इतने हो जाएगा, इतने का ये खरीद लेगा, लेकिन ये रुपया जितने का वो खरीदेगा ये रुपया 70 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, क्योंकि निवेश अधिकतम निवेश बराबर है 70 लाख, तो अब वो निवेश कर कितना रहा, इतने डेस्कटॉप पोर्टेबल खरीदा है, एक है 25,000 का, तो 25,000 एक्स, इतने रुपए के ये खरीद लिया। पोर्टेबल वाला 40,000 का है, ये वाला 25 का है। पोर्टेबल वाला कितने का है, 40 का, 40,000, 25,000, तो ये हो जाएगा 40,000 का, 40,000 रुपए के एक्स खरीदा, इतने रुपए के ये खरीद लिए, और एक इतने का खरीदा है, तो ये हो जाएगा 25,000 वाई, इतने रुपए के उसने लैपटॉप खरीदे, और ये रुपया जो है 70 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए बल्कि कम ही होना चाहिए, क्योंकि उसके पास अधिकतम निवेश के लिए लगाने के लिए इतने रुपए, निवेश में होता है खर्चा करना लगाना उसमें, तो इसका मान या इसके इक्वल होना चाहिए 70 लाख के, 70 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 सही है ना, या इससे कम होना चाहिए, और या इतना ही खर्च कर सकता है, इससे एक भी रुपया उसके पास ज्यादा नहीं है। अब ये कहा है कि दोनों प्रकार के कंप्यूटरों की कुल संख्या जो है, मासिक नगों की संख्या 250 नग से अधिक नहीं होनी चाहिए। नग मीन्स होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस, कि 250 नग ही वो महीने भर में बनाता है, अधिकतम मतलब महीने भर में कितने बन सकते हैं, 250 ले सकता है, खरीद सकता है, या 250 अधिकतम बेच सकता है। तो इसका मतलब है एक्स वाई दोनों प्रकार के नगों की संख्या, ये एक्स पोर्टेबल या डेस्कटॉप, इनकी संख्या ये जो है 250 के बराबर होगी, इससे कम होगी, अधिकतम शब्द लिखा है कि मतलब अधिक से अधिक 250 से बेच सकता है, 250 ही
खरीद सकता है। तो दोनों की संख्या जोड़ेंगे 250 से लेस देन होनी चाहिए, उसको इक्वल होनी चाहिए। अब लिखा है कि डेस्कटॉप नमूने पर उसका लाभ होता है 4500 रुपये और पोर्टेबल नमूने पर उसका लाभ होता है 5000 रुपये। तो अधिकतम लाभ, जहां पर अधिकतम न्यूनतम लाभ की बात है, वो जेड अवरोध समीकरण बनती है ये। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा, डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर है 4500 ये, तो एक पर 4500 लाभ लेता है, तो वही पर लाभ कितना हो जाएगा 4500 ये लाभ हो जाएगा। और पोर्टेबल एक पर लाभ लेता है 5000, तो इस पर हो जाएगा 5000x। ये सभी समीकरण बन गई और इनकी जो है इसकी संख्या जो है या जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर हो सकती है, ऐसे इनकी संख्या या जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर हो सकती है। अब हम आशंकाओं को समीकरण में बदलेंगे। देखिए समीकरण क्या बनेगी, इसमें से हम क्या करेंगे, ये जीरो कैंसिल कर देंगे, तीन तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 40 40x प्लस 25y और इक्वल टू, तीन जीरो कैंसिल हो गए 7000। अभी और कुछ कैंसिल कर सकते हो, 5 से और डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा और छोटी इक्वेशन कर सकते हो, इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, पांच हो गया और 520 ये 1450। ये हुई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन जो आपकी ये बनी है, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, x plus y equal to 250। तो ये जो इक्वेशन है इनको ड्रा करके बना पाओगे, एक्स वाई निकाल लेना, संख्या मैक्सिमम निकल आएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, आपको इसमें केवल ये दो चीजें दी हैं कि अधिकतम नगों की संख्या इतनी होनी चाहिए और अधिकतम निवेश इतना कर सकता है, लाभ अधिकतम लाभ आने जहां पर कह रहा, अधिकतम न्यूनतम जहां पर कह रहा, वो समझ लीजिए अवरोध समीकरण जे वहां से बन के आए लाभ और हानि से। ठीक, कल ये आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर ये है कि यहाँ पर दो प्रकार के भोज्य उपलब्ध हैं, F1 और F2 दो प्रकार के भोज्य उपलब्ध हैं। अब इसमें कहा गया भोज F1 की लागत 4 रुपये की लागत 4 प्रतिमात्रक और F2 की लागत 5 प्रतिमात्रक है। ये लागत की बात हो गई, इससे अवरोध समीकरण लास्ट में जाकर के बनेगी। भोज F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज है, तो एक इकाई में वो 1 किलोग्राम हो, चाहे एक मात्रक कहा था, एक इकाई 1 किलोग्राम 1 ग्राम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखो F1 की एक इकाई में विटामिन ए कितना है, 3 मात्रक प्रति इकाई, इकाई का मतलब ग्राम किलोग्राम जितना भी लिया जा रहा हो। F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन है और 4 मात्रक खनिज है। खनिज को किससे लिखे, मिनरल्स, यहाँ पर खनिज कितना है, 1 है 4 4 मात्रक प्रति इकाई का मतलब है प्रति किलोग्राम ग्राम कुछ भी हो सकता है। ऐसे इसमें विटामिन ए भी होगा और मिनरल भी होगा। भोज्य F2 जो है कि प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज, यहाँ पर 6 मात्रक है और यहाँ पर 3 मात्रक है, वही मात्रक प्रति यूनिट, मात्रक प्रति यूनिट, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन क्या है, मात्रक खनिज है। इसको एक रैखिक प्रोग्रामर समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए, उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दो भोज्यों का मिश्रण है और उनमें न्यूनतम भोज्य तत्व ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम भोज्य तत्व जो है कितना होगा। तो इसमें पहले इनकी F1 और F2 की इकाई मानी जाए कि कितनी कितनी इकाई खरीदी गई है। सबसे पहले फिर से पढ़ें, एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए होना चाहिए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। दो प्रकार के भोज्य F1 F2 उपलब्ध हैं। भोज F1 की लागत इतने प्रतिमात्रक और F2 की लागत इतने प्रतिमात्रक है। भोज F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन 4 मात्रक खनिज है। F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन 3 इकाई ये खनिज है। इनको एक रैखिक प्रोग्राम समस्या के रूप में सूत्रबद्ध ज्ञात कीजिए, उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दो भोज्यों का मिश्रण है और इसमें न्यूनतम पोषक तत्व है। माना भोज ए, माना मिश्रण में भोज F1 की मात्रा
बराबर एक्स इकाई, एक्स इकाई व मिश्रण में भोज F2 की मात्रा बराबर है y इकाई, ये y इकाई है। अब देखो मिश्रण में विटामिन ए कितना चाहिए, अधिकतम 80 मात्रक, 80 मात्रक विटामिन ए चाहिए और 100 मात्रक खनिज चाहिए, मिनरल्स चाहिए 100 मात्रक। तो इसी के लिए हमको बताना है कि जब इनका मिश्रण तैयार करेंगे तो इसकी कितनी इकाई और इसकी कितनी इकाई मिलाई जाए कि हमको उस मिश्रण में इतने मात्रक मिल जाए विटामिन ए और इतने मात्रक मिनरल्स मिल जाए। तभी हमने कहा कि इसकी एक्स इकाई ले लो, इकाई में किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, इसकी वाई इकाई ले लो। तो जब इनको मिला दोगे तो मिश्रण में विटामिन ए दोनों का मिलकर इतना हो जाएगा और मिनरल दोनों के मिलकर इतने हो जाएंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले विटामिन ए के लिए, विटामिन ए की मात्रा के लिए, के लिए एक इकाई में इतने मात्रक विटामिन ए है तो एक्स इकाई में, इकाई में हमने माना है ना, थ्री एक्स हो जाएगा। एक इकाई में छह मात्रक विटामिन ए है इसके, तो वाई इकाई में हो जाएगा सिक्स वाई। अब ये मात्रा जो है ये लिखा है अधिकतम इतना होना चाहिए कि न्यूनतम इतना होना चाहिए, भोज्य एक भोज पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन होना चाहिए। मतलब ये जो विटामिन ए है ये कम से कम 80 मात्रक होना चाहिए या इससे अधिक अधिक होना चाहिए, सेंस लगाना पड़ता है यहाँ पर। ये कहा है कम से कम 80 मात्रक भोज होना चाहिए, तो ये जो भोज मिश्रण में तैयार हुआ है इसका मान या फिर 80 मात्रक होना चाहिए या 80 से ज्यादा होना चाहिए, ये यहाँ तुमको ही सेंस लगाना पड़ेगा कम से कम। हाँ तो यहाँ से ये कम से कम कहा है, मतलब ये कम से कम सोचते हैं, इसको नहीं सोचना कम से कम, कम से कम इतना हो जाना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए, खनिज की मात्रा के लिए ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, ये भी कम से कम, कम से कम कम 100 या 100 से जहाँ ये मात्रा जो आपने मिलाई है ये 100 या 100 से ज्यादा होनी चाहिए। अब इसमें कहा है और आगे कि इसकी जो भोज F1 की लागत है वो 4 प्रति इकाई है, एक इकाई अगर लेते हो तो 4 रुपए की लागत होती है। तो आपने X इकाई खरीदा है तो इसकी लागत जो हो जाएगी Z इक्वल टू ये हो जाएगी 4X, एक इकाई की लागत है F2 के एक इकाई की लागत है 5 रुपए प्रति मात्रक। तो आपने वही मात्रक खरीदा है तो हो जाएगी 5y हो जाएगी। अब इसमें जो है इसकी मात्रा इकाई में या जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर, इसकी मात्रा या फिर आप जीरो ले सकते हैं या जीरो से बड़ी ले सकते हैं, माइनस में किलोग्राम नहीं तोला जाएगा। समझ पाए सारी इक्वेशंस, ये इक्वेशंस आपके इसमें बनकर तैयार होंगी। इस चिन्ह के लिए आपको ध्यान देना है क्या लगाना चाहिए, पूरा पढ़ के तब सेंस लगता है। तो बन गया क्वेश्चन। अब इसमें निकाला क्या क्या है, उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए, आपको ये न्यूनतम जेड न्यूनतम करना है। इस न्यूनतम के लिए इन दो भोज्यों का मिश्रण है और उनमें न्यूनतम पोषक तत्व कितने कितने होंगे, मतलब एक्स कितना होगा वाई कितना होगा, ये आपको निकालना है। यहाँ पर कम होगा नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रकार के उर्वरक एफ वन और एफ टू है, F1 उर्वरक है और F2 उर्वरक है, माना इसकी x किलोग्राम, तो क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तब लिखेंगे। अब यहाँ प्रतिशत की बात कहा है, प्रतिशत में ही रख देंगे, अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन देखना सेम ही बनेगी। 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरस है, 10% इसमें नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरस है, इसमें कितने प्रतिशत क्या है, 5% नाइट्रोजन है, 10% क्या है, फास्फोरस है, 10% फास्फोरस है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 14 किलोग्राम फास्फोरस अम्ल की आवश्यकता होती है, मतलब 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए, इससे कम न हो ज्यादा भले ही हो जाए। तो इसको नाइट्रोजन कितना चाहिए, 14 किलोग्राम ये चाहिए ना, और फास्फोरस भी 14 किलोग्राम ये भी इसको चाहिए। क्वेश्चन का और 14 किलोग्राम फास्फोरस हम क्या, यदि एफ वन की कीमत 6 रुपए प्रति केजी और एफ टू की कीमत 5 रुपए पर केजी है तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम मूल्य पर अवांछित पोषक तत्व मिल जाए। माना
एफ वन की मात्रा बराबर एक्स मतलब खरीदी जाए और एफ टू की मात्रा कितनी ली जाए वाई ली जाए, ये एक्स और ये वाई। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन उर्वरक की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन उर्वरक की पूर्ति के लिए टेन परसेंट है, एक किलो में मतलब 10% है, तो एक्स के जी आपने खरीदा है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप निकाले एक्स इंटू 10/100 के जी में मात्रा दी है, यहाँ ये देखो के जी में दी है, यहाँ प्रतिशत में दी है ना, तो यहाँ पर तुमको एक्स किलो खरीदा है तो 10% उर्वरक होता है, तो उर्वरक उसमें नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, इतना निकलेगा, केवल 10 करोगे तो नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। प्लस यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन है 5%, तो वही का 5% आपको निकालना पड़ेगा, ये तब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए 14 केजी के, इससे कम ना हो। खेत में भी उर्वरक मतलब जितनी आवश्यकता है, जब आवश्यकता शब्द जोड़ दे मतलब इतनी तो आवश्यकता है ही, इससे ज्यादा भले हो जाए कम ना हो। तो ये मात्रा जो है नाइट्रोजन की मात्रा दोनों को जब मिलाया है, डाला है एक्स किलोग्राम इतना और वाई किलोग्राम वो डाला है, तो दोनों से मिलाकर नाइट्रोजन इतना मिला है, इसकी मात्रा 14 किलोग्राम से अधिक होनी चाहिए या 14 किलोग्राम के बराबर। दूसरे में फास्फोरस उर्वरक के लिए उर्वरक की पूर्ति के लिए 6% ये भी है एक्स 6/100 प्लस वाई 10/100, इसकी मात्रा 14 किलोग्राम से 14 केजी से अधिक होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब एक किलोग्राम की लागत इसमें दे रखा है, एफ वन की लागत है 6 रुपए प्रति किलोग्राम और एफ टू की जो कीमत है वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो जो लागत का समीकरण बनेगा, लागत इसकी कीमत कितना है 6x + 5y, 5y, 5y. 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 1 किलोग्राम का ये रेट है, x किलोग्राम आपने खरीदा है, 1 किलोग्राम का ये रेट है, 6 किलोग्राम आपने खरीदा है, इक्वेशन बन गई पूरी ना। हाँ, अब इसके न्यूनतम के लिए आपको बताना है कि कैसे क्या होगा, ये न्यूनतम कब होगा। अब जब असमिका से समीकरण बनाओगे और यहाँ पर ये लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो उर्वरक पहला वाला है या फिर पॉजिटिव होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, कि इसको डालो ही ना उसको डाल के पूर्ति हो जाए, ये भी हो सकता है, या y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, इससे कुछ और नहीं। उपरोक्त असमिकाओं को जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए, कर तो लोगे। उपरोक्त असमिकाओं को समीकरण में बदलने पर 10x + 5y = 100 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1400, 5 से और भाग कर लो 2x + y = 5×10 = 40, इक्वेशन बन जाएगा हो जाएगा। दूसरी समीकरण बनेगी ये 6x + 10y = 1400, ये डिवाइड हो जाएगी 2 से 3x + 5y = इक्वेशन नंबर 2। बस अब दोनों के लिए ग्राफ बनाना रह गया।